और देखिए आरजेडी में छिड़े घमासान के बीच प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उनसे सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को है। जगदानंद सिंह ने कहा कि कोई भी पार्टी संविधान से ऊपर नहीं है। छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को उनके पद से हटाए जाने से तेज प्रताप यादव नाराज हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। जगदा बाबू, सीधे तौर पर तेज प्रताप यादव ने यह आरोप लगाया है न्यूज 18 से बातचीत के दौरान कि आप पार्टी को संवैधानिक तरीके से नहीं चला रहे हैं, बिना किसी को नोटिस किए आप पार्टी से नहीं हटा सकते हैं। मैंने पार्टी से किसी को नहीं हटाया, निश्चित पार्टी से हटाएंगे तो उसे सवाल जवाब करके हटाएंगे। हमने किसी को पार्टी से हटाया है? आकाश को अध्यक्ष पद से आपने हटा दिया है? वो पद पे थे नहीं ना, पद पर नहीं थे। मैं तो यही सवाल कर रहा हूँ सबसे, उनको पद पर किसने नियुक्त किया था? हमारा प्रदेश, हमारा राष्ट्रीय जनता दल का संविधान यहाँ है और संविधान के तहत आदरणीय लालू प्रसाद जी को राष्ट्र की सभी हमारी जितनी संगठन हैं ढांचा मूल उनको नियुक्त करता है राष्ट्रीय परिषद, और प्रदेश का राज्य परिषद राज्य के अध्यक्ष को नियुक्त करता है, और बाकी जितने अनुषांगिक संगठन हैं उसको नियुक्त दिल्ली में आदरणीय लालू प्रसाद, राज्य में राज्य के अध्यक्ष, जिले में जिले के अध्यक्ष और प्रखंड में प्रखंड का अध्यक्ष करता है। मैं किसी जिले में अनुषांगिक संगठन को नहीं बनाता हूँ, सारा मैं अधिकार नीचे हमारे लोग हैं जो पहले लोग अपने हाथ में रखते थे, संभव ही नहीं है। यदि हम किसी पंचायत का संगठन बनाना चाहें यहाँ तो कैसे बना लेंगे बिना मूल संगठन के? इसलिए थोड़ी सी बात आपको समझना चाहिए कि हमारी गलती ये है कि हम अब तक नहीं बना पाए थे, करीब 6-7 संगठन हम नहीं बना पाए हैं, ये हम पर आरोप लग सकता है, लेकिन मैंने किसी को हटाया नहीं। लेकिन तेज प्रताप यादव ने ही तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया था छात्र राजद का, आकाश को वो जानते होंगे किस अधिकार से बनाए थे, किसने उनको कहा था बनाने के लिए? उनको अधिकार नहीं है बनाने का? नहीं जानते, संविधान में नहीं लिखा हुआ है।